अगर आपने सिंपल 8वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, और अगर आप 10वीं पास कैंडिडेट है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती के रैली की डेट के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, 15 नवंबर से आपके यहाँ पर दौड़ भी स्टार्ट हो जाएगी, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी यानी आपको यहाँ पर दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन आर्मी की ओर से ओपन रैली भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। इस भर्ती में पूरे भारतीय कैंडिडेट यहाँ पर भाग ले पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होनी, किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। और आपके यहाँ पर दौड़ रहेगी, 15 नवंबर से आपके यहाँ पर दौड़ भी स्टार्ट हो जाएगी। कितने आपको यहाँ पर दौड़ लगानी है, यानी कितने टाइम में आपको लगाएं, कितने आपको यहाँ पर मार्क्स दें, कितने आपकी हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितने आपके यहाँ पर एज लिमिट रहेगा, सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कम्प्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर समय समय पर दी जाती है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको इस ग्रुप का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है, यानी कि जो आपको नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी, तो नोट मेंशन यानी कि नहीं बताया गया कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली गई है। और कभी भी जब भी इंडियन आर्मी ओपन रैली का नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें मेंशन नहीं करता है कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली गई है। जो पोस्ट नेम होगा, टोटल आपको यहाँ पर 10 प्रकार की वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जीडी के लिए होगी, यानी कि जनरल ड्यूटी, क्लर्क, नर्सिंग स्टाफ, सेफ, स्टुअर्ड, टेलर, म्यूजिशियन, ट्रेसर और हाउसकीपर और मेसकीपर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। अप्लाई मोड जो होगा, पहले आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे और फिर यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती आपके लिए आ जाएगी, यानी कि आपको एडमिट कार्ड उधर से सेंड कर दिया जाएगा। कौन सी जीमेल आईडी होगी और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। जो आपके यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर रहेगी सभी पोस्ट के लिए। और जो क्लर्क की वैकेंसी होगी उसमें जो आपकी हाइट रहेगी, अगर आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर वेट होना चाहिए, कम से कम 50 किलोग्राम होना अनिवार्य। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए मेल और मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 70+5 सेंटीमीटर का फ्लॉ भी होना अनिवार्य है। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपको जहाँ पर पे स्केल होगा, यानी कि जो आपको सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। इस भर्ती का जो अप्लीकेशन फीस होगा बिल्कुल फ्री होगा। इन जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। आपको यहाँ पर जो एज लिमिट रहेगा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में अगर आप किए जाए तो आप इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। और जो अदर वैकेंसी रहेगी, यानी जितनी बच्ची कुछ वैकेंसी होगी उनका जो एज लिमिट रहेगा 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में अगर आप किए जाए तो भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। आपको यहाँ पर एज में कोई छूट भी नहीं दी जाएगी, यानी कि जो एससी एसटी वालों को 5 ईयर की मिलती है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट मिलती है, वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल में को पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। इस भर्ती का जो रनिंग टेस्ट होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। 1600 मीटर की आपको यहाँ पर दौड़ कंप्लीट करनी होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर को आपको यहाँ पर दौड़ लगाना होगा, जिसके लिए अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से कम में कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में लिया जाएगा, यानी कि आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड ग्रुप में लिया जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर 48 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे।
पुशअप्स आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे, इसमें भी यहाँ पर नंबर आपको दिए जाएंगे। यानी अगर आप 6 पर क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर अगर आप 8 लगाते हैं 9 लगाते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमको नोटिफिकेशन में ही बता पाऊंगा। हिंदी की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिकर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हो कि पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य, फोटो सिग्नेचर जो आपका फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन का, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इस भर्ती का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, वैसे तो यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है, लेकिन अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास किया हुआ तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट साथ कंप्लीट किया तब भी आप इस भर्ती में भाग ले पाएंगे। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपके यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा यानी कि दौड़ होगी, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद से आपके यहाँ पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। जो इस भर्ती की इंपोर्टेंट डेट रहेगी, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है 10 सितंबर को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती की नोटिफिकेशन में डेट भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसमें भी आपको यहाँ पर बताया गया 10 सितंबर को यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो यहाँ पर इसकी लास्ट डेट रहेगी, जो आपको जीमेल सेंड करनी होगी 15 अक्टूबर रहेगी, वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो यहाँ पर रैली की डेट आई हुई है 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपके ओपन रैली भर्ती भी चलेगी। जीमेल आईडी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर किस कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर कब कब जाना होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अगर आप जीडी कैंडिडेट के लिए आवेदन करते हैं, यानी कि जीडी के लिए आपको आप यहाँ पर मेल सेंड कर देते हैं, जो आपको यहाँ पर डेट आई हुई है रैली के लिए 21, 22, 23, 24 और 25 नवंबर को यहाँ पर जीडी के कैंडिडेट भाग ले पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर म्यूजिशियन वाले यहाँ पर जा पाएंगे, और जो ट्रेडमैन की वैकेंसी होगी उसमें यहाँ पर सिंपल 10वीं 8वीं पास कैंडिडेट भाग ले पाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर 29 और 30 नवंबर को यहाँ पर लिया गया है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन और शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने शॉर्ट नोटिस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर बताया कौन कौन से आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई, लेकिन 3 वैकेंसी के लिए यहाँ पर अभी तक वैकेंसी अवेलेबल नहीं की गई है। अगर यहाँ पर आप वैकेंसी की जानकारी लेना चाहते हैं तो, या फिर इस भर्ती का जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी उसकी जानकारी भी आप यहाँ से ले पाएंगे। आपको यहाँ पर सभी जानकारी प्रोवाइड की गई है, किस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या एज लिमिट रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, उसकी जानकारी भी आप यहाँ से ले पाएंगे। जो ये वैकेंसी निकाली गई रिलेशन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस भर्ती की जो जीमेल आपको यहाँ पर सेंड करनी होगी, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। रैली का एड्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।